Hello everyone, I am Arvind Kumar Das. Today I solve a physics problem using by a short tricks. Today problem is, two different masses M1 and M2 are attached to two different spring of constant K1 and K2 respectively. The masses are oscillatory with same amplitude. The ratio of maximum acceleration of the two masses is इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं डायमेंशन के कुछ ट्रिक्स यूज करूंगा। पहले हमें देखना है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, देन स्मॉल a1 अपॉन स्मॉल a2, इसका जो डायमेंशन निकलेगा वो क्या होगा? 1। अब हमें देखना है कि इसके डायमेंशन इस चारों में से किसके साथ मैच करता है। ओके, ए का डायमेंशन क्या निकलेगा? m, बी का डायमेंशन m, सी का डायमेंशन m स्क्वायर, डी का डायमेंशन m अपॉन m इंटू 1, क्योंकि K1 अपॉन K2 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का जो डायमेंशन वो 1 होता है, इसलिए इसके डायमेंशन क्या होगा? 1। नाउ इट इज क्लियर दैट इसका जो डायमेंशन इस चारों में से इसके ही साथ मैच कर रहा है, सो ऑप्शन इज आंसर डी। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।